राम रहीम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम पर आरोप तय हो गए और इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए। साध्वी यौन शोषण मामले में पहले से ही जेल में बंद राम रहीम के अलावा इस मामले में डॉक्टर मोहिंद्र इंसा और डॉक्टर पीआर गर्ग को भी आरोपी बनाया गया। तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 326, 417, 506 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए। अदालत में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, जबकि इंसा और गर्ग व्यक्तिगत तौर पर। आरोप तय करने के पूर्व बचाव पक्ष के वकील ध्रुव गुप्ता ने दलील दी कि गुरमीत राम रहीम द्वारा किसी को भी नपुंसक नहीं बनाया गया और वैसे भी इस मामले में धारा 326 बनता ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को नपुंसक बनाने की बात सामने आ रही है उनके सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं। सेक्शन 326 किसी खतरनाक हथियार का प्रयोग करने पर लगता है। ध्रुव गुप्ता ने धारा 417 यानी कि चीटिंग पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम ने किसी के साथ धोखा नहीं किया। इन साधुओं को मोक्ष प्राप्त करना था, इसीलिए इन्होंने ऑपरेशन करवाए। इसमें राम रहीम का कोई लाभ नहीं था। बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि इन पर 120 बी आपराधिक षड्यंत्र कतई नहीं बनता, क्योंकि साधुओं के ऑपरेशन से डॉक्टर्स को कोई लाभ नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र तभी बनता है जब तीनों का उद्देश्य एक हो, इसीलिए ये धाराएं हटाई जानी चाहिए। गुरमीत राम रहीम पर आरोप है कि उसने साल 2000 में मोक्ष पाने का झांसा देकर 400 साधुओं को नपुंसक बनवा दिया था। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये साधु वंश वृद्धि से महरूम हो जाएं और डेरा के प्रति निष्ठावान बने। उधर मोक्ष नहीं मिलने पर इन साधुओं ने इसकी शिकायत 2012 में की थी। एक बात तो तय है कि राम रहीम को अब अपना एक एक कुकर्म याद आ रहा होगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 400 साधुओं को नपुंसक बनाने की सजा अब राम रहीम भुगतेगा। आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। देखना अब ये होगा कि राम रहीम को क्या सजा सुनाई जाती है और कितने साल की। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। रेप केस में मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद राम रहीम पर वैसे तो कई आरोप लगे हैं, लेकिन लड़कियों से रेप के बाद सेवादारों को नपुंसक बनाने का मामला भी अब सामने आया और आरोप लगे कि राम रहीम ने सैकड़ों लोगों को नपुंसक बनाया है। क्यों बनाता था राम रहीम सेवादारों को नपुंसक, इस रिपोर्ट में देखिए। रेप के केस में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर ऐसे तो कई संगीन आरोप हैं। इस फेहरिस्त में उन पर साधुओं को नपुंसक बनाने का भी इल्जाम है। ऐसा ही आरोप यौन शोषण के मामले में जेल में बंद आसाराम बापू पर भी लग चुका है कि दवाओं के जरिए वो अपने सेवादारों को नपुंसक बनाते थे। राम रहीम ने क्यों साधुओं को नपुंसक बनाया था ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला आया कैसे सामने। दरअसल साधु रहे हंसराज चौहान ने 17 जुलाई 2012 को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम पर 2000 से 2005 के बीच 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि डेरा प्रमुख के इशारे पर डेरा अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम साधुओं को नपुंसक बनाती है। उन्होंने 166 साधुओं का नाम भी बताया। हंसराज ने कहा था साधु बाबा उसे प्रार्थना के बाद नशे के कैप्सूल देता था, जिसके बाद उसके साथ क्या होता उसे भी मालूम नहीं होता था। जो वहाँ डेरा में जो साधु रहते थे वो डेरा छोड़कर जाने लगे। जाने का क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ने एक वहाँ पे एक मीटिंग बुलाई। बाबा ने सबको बुलाकर कहा जो 400 और 500 के बीच में साधु लोग थे, तो वो बाबा ने उनको प्रलोभन दिया कि परमात्मा के नाम पे प्रलोभन दिया कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, आपको मन तंग नहीं करेगा, कुछ ऐसी बातें कहेगी जिससे उनका ब्रेन वॉश हो गया और फिर बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद उनके अंडकोश, उनके टेस्टिकल, वो उनके वो टेस्टिटी रिमूव कर दिए गए और इस हादसे का शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ। सौदा में जहाँ ऑपरेशन किए हैं, जहाँ टेस्टिकल निकाले हैं, जहाँ नपुंसक बनाया गया है, वो जो मेरा हुआ है वो गुरुसर मोड़िया में हुआ है। ये बाबा का ही गांव है, गुरुसर मोड़िया राजस्थान में है, और एक प्रिंटिंग प्रेस है उसके पीछे की साइड में,
उसके पीछे की साइड में ये ऑपरेशन हुए हैं, एक मतलब खुफियाना जगह पे हुए हैं, और उसके बाद बाबा का एक और अस्पताल है वो डेरा के बीच में ही है, वहाँ पे हुए हैं। में खुद बाबा राम रहीम और उनके दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज गर्ग और डॉक्टर एमपी सिंह। इन दोनों डॉक्टरों ने बाबा ने इनको कहा और इन्होंने बाबा के कहने पे ये ऑपरेशन किया, इन लोगों का हाथ है। गौरतलब है कि राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने 2007 में एक टीवी चैनल के खुलासे में कहा था कि राम रहीम के आश्रम में महिलाओं का सिर्फ यौन शोषण ही नहीं बल्कि साधुओं को नपुंसक बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं नपुंसक? दरअसल एक षड्यंत्र के तहत राम रहीम साधुओं को नपुंसक बनाता था ताकि साध्वियों का अकेले कर सके शोषण। राम रहीम के डेरे में कई साध्वी थी और कई लड़कियां आश्रम में आती थी। राम रहीम बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और डेरे में मौजूद साध्वी और डेरे में आने वाली लड़कियों पर बुरी नजर डाले या फिर शोषण करे ताकि साधुओं की जमीन ले सके। राम रहीम साधुओं को नपुंसक इसलिए भी बनाता था ताकि साधुओं के नाम सारी संपत्ति को डेरे के नाम करा सके। दरअसल राम रहीम की ये मंशा रहती थी कि साधुओं को नपुंसक करके डेरे को मिलने वाली सारी जमीनें इन साधुओं के नाम से लेकर बाद में वो सारी जमीनें डेरे को मिल सके ताकि भक्तों को बना सके गुलाम। राम रहीम अपने भक्तों को अपना गुलाम बनाने के लिए नपुंसक बनाता था ताकि भक्त मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी उनका गुलाम बना रहे। राम रहीम साधुओं को नशे के कैप्सूल देकर नपुंसक बनाता था, तो साधुओं को नपुंसक बनाने के लिए राम रहीम की एक लंबी प्लानिंग थी। खैर अब आरोप तय हो चुके हैं, देखना यह है कि इस मामले में राम रहीम को कितनी सजा होती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। राम रहीम को आरोपी बनाए जाने के बाद पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। हालांकि कुछ पीड़ित साधु ऐसे भी हैं जिनको अपनी जान का खतरा सता रहा है। नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकुला के सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को एक और झटका दिया। स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत, डॉक्टर मोहिंद्र और डॉक्टर पीआर नैन पर आरोप तय किए। इन पर आईपीसी की धारा 326, 417, 120 बी और 506 के तहत केस चलेगा। शुक्रवार को सुनवाई में गुरमीत रोहतक के सुनारिया जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। पेशी के दौरान मौजूद एक साधु कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा। सीबीआई ने फरवरी 2018 को पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में चार्जशीट दायर की थी। फतेहाबाद के रहने वाले हंसराज चौहान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि गुरमीत और उसके साथियों ने 400 साधुओं को झांसा देकर नपुंसक बनाया था। सीबीआई जांच में खुलासा भी हुआ था कि डेरे में साधुओं को ईश्वर से मिलाने यानी कि मोक्ष प्राप्ति के नाम पर ऑपरेशन कर नपुंसक बनाया गया। गुरमीत के ड्राइवर रहे खट्टा सिंह ने कहा था कि इसमें गुरमीत की अहम भूमिका थी। एक साधु ने की थी खुदकुशी। याचिका में विनोद कुमार नामक साधु का उदाहरण देकर कहा गया कि उसने सिरसा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खुदकुशी कर ली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि वो नपुंसक है। याचिका में दावा किया गया कि इस तरह के 400 साधु डेरे में हैं। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो भी इन साधुओं में से एक था, उनका जीवन नर्क बन गया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि वो साल 1990 से डेरे से जुड़ा हुआ था। साल 2000 में ईश्वर के दर्शन करवाने के नाम पर उसके साथ लगभग 20 साधुओं को नपुंसक बना दिया गया। इससे उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव आ गए, लोग उन्हें नपुंसक कहकर छेड़ते हैं। फतेहाबाद निवासी हंसराज चौहान का कहना था कि अब बाबा पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। वो कोर्ट से बाबा के लिए फांसी की मांग करते हैं क्योंकि बाबा ने 400 डेरा साधुओं को नपुंसक बनाकर उनका जीवन नरक कर दिया। हंसराज ने अपनी जान का खतरा भी बताया और कड़ी सुरक्षा की मांग की। ये एप्लीकेशन लगाई गई थी गुरमीत रामलीन की तरफ से कि ये सारे के सारे दोष जो गुरमीत रामलीन पे ना लगे और इसको निकाला जाए, और साथ में चार्ज की जो एक प्रक्रिया थी, चार्ज पे बहस हुई थी, उस पर आज डिसीजन आया। उनकी एप्लीकेशन है वो भी खारिज हुई है, और उसके साथ साथ आज गुरमीत रामलीन, एमपी सिंह और पंकज गर्ग पे, ये तीनों पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, और इन पे 326 और 120 बी और 506 और 417 के तहत अब मुकदमा चलेगा। देखिए, जब मामला दर्ज करवाया था उसके बाद बहुत सारी इन लोगों ने धमकियां दी, मारने की धमकी दी, इन्होंने जान से मारने की धमकी दी, तेरे घर को जला देंगे, बहुत सारी धमकियां मिलती रही हैं। हमें हाईकोर्ट द्वारा पहले से ही ये सिक्योरिटी मिल चुकी है
और अब हमें न्याय की पूरी उम्मीद हो चुकी है और न्यायपालिका एक बार फिर से अब न्याय करने के मूड में है। कुल मिलाकर पीड़ितों की न्याय की उम्मीद अब और बढ़ गई है। पीड़ितों की आंखों से आज भी उस जघन्य अपराध के आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है। बस अब इंतजार सजा का है। टोटल न्यूज के लिए रमेश भट्ट की रिपोर्ट। राम रहीम पर कई मामले दर्ज हैं, कई मामले अदालत में हैं और अब आरोप भी तय हो गए हैं। राम रहीम के जुर्म की फेहरिस्त बहुत लंबी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम साध्वी से रेप मामले में दोषी ठहरा दिए गए हैं। रोहतक की जेल में बंद बाबा राम रहीम को वहीं अदालत लगाकर सजा सुनाई जाएगी। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को रेप मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद राम रहीम के समर्थकों ने पंचकुला, सिरसा सहित कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी, जिसमें 36 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोमवार को रोहतक जेल में ही विशेष अदालत लगाकर गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी। आइए जानें 15 साल पुराने इस मामले में कैसे सुनवाई पूरी हुई। अप्रैल 2002 डेरा सच्चा सौदा की महिला अनुयायी का आरोप। महिला का गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप। सितंबर 2002 जिला न्यायाधीश ने प्राथमिक जांच में आरोप के सही होने की आशंका जताई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सितंबर 2006 डेरे में रह चुकी दो महिलाओं का सीबीआई को बयान। दोनों महिलाओं का राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप। सितंबर 2007 सीबीआई ने राम रहीम पर आरोप पत्र दाखिल किया। राम रहीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अगस्त 2008 पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू। सीबीआई कोर्ट में 150 गवाहों से पूछताछ। 17 अगस्त 2017 बहस खत्म। फैसले के लिए 25 अगस्त की तारीख तय। फैसले के दिन गुरमीत राम रहीम को पेश रहने के निर्देश। 25 अगस्त 2017 पंचकुला की सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी से रेप मामले में दोषी ठहराया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। राम रहीम को सजा कितनी होगी और सजा होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और न सिर्फ उन 400 पीड़ित साधुओं को बल्कि डेरे के हर उस पीड़ित को राम रहीम की सजा का इंतजार है। इसी पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बात की एसके गर्ग नरवाना से। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इससे आने वाले समय में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर क्या असर होगा, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके गर्ग नरवाना, इनसे जानते हैं। जी गर्ग साहब, देखिए जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, चार्जेस फ्रेम होने का मतलब ये तो है नहीं कि कोई आरोप सिद्ध हो गए हैं। अभी एविडेंस होगी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस देगा, एंड मोर ओवर ये बहुत डिलेड एलिगेशन थे, 12 साल बाद के एलिगेशन हैं। तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, अभी ये तो नहीं पता अभी कैसे वो किस किस तरह से कितने लोगों को पेश करेंगे या नहीं करेंगे केस में, बट इस केस का कोई खास इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि अभी तो इसकी ट्रायल चल रही है। बाकी दूसरे केसेस वो अलग है, ये केस अलग है। गर्ग साहब, किन धाराओं के तहत जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है? ये आरोप पत्र हमें जो सीबीआई ने इन्फॉर्मेशन दी थी हाईकोर्ट, वो 326 में मेरे ख्याल 417 120B 506 शायद इन ऑफेंसेस के तहत उन्होंने कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं। गर्ग साहब, जिस तरह के आरोप पत्र में धाराएं लगाई गई हैं, तो इसमें कितने साल की सजा हो सकती है अगर ये प्रूव हो जाती हैं तो?
अभी तो शायद ये केस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई होगा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मजिस्ट्रेट तो 3 साल की ही सज़ा कर सकता है। बाकी ये कि ये मेरी असेसमेंट के मुताबिक तो ये प्रूव होनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिलेड एलिगेशंस हैं और ऐसा इनका कोई रोल भी नहीं था, बट अब चलान है तो चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, ट्रायल तो कंटेस्ट करना ही पड़ेगा। गर्ग साहब, जिस तरह से पीछे पंचकुला दंगा मामले में भी कईयों को बरी कर दिया है और इससे पहले भी जो देशद्रोह की धारा हटा दी गई है, तो आने वाले वक्त में जो केसेज अभी फाइल हुए हैं जो उनके अनुयायियों के खिलाफ, तो क्या रहेगा उसका फेट? नहीं, जो ये केसेस फाइल हुए हैं ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये सारा इंसिडेंट। जो 30-40 लोग मर गए हैं उनके बारे आज तक देखो किसी ने कोई बात ही नहीं उठाई भी, क्या किसका फॉल्ट था नहीं था, जो भी है उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी। और इन लोगों को जिनको पकड़ के इन्होंने फंसा दिया देशद्रोह में, देशद्रोह की तो जो धाराएं हैं कुछों के खिलाफ तो गवर्नमेंट ने खुद ही वापिस ले लिए। और इसलिए हम ये कहेंगे कि जिस तरह से चालान पेश हुए हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेशन से नहीं पेश हुए। गर्ग साहब, आप काफ़ी सुलझे हुए वकील हैं, ये जो पुलिस ने धाराएं जो है देशद्रोह की हटाई हैं जिस तरह आप कह रहे हो, तो इसके पीछे वजह क्या रही है? नहीं, वजह ये है कि उन्होंने ठीक हटाई है, क्योंकि देशद्रोह का केस नहीं बनता। उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है ये कि भी देशद्रोह की धाराएं हटा दी उन्होंने, बड़ा अच्छा किया उन्होंने, अच्छी बात है ये, कोई बात नहीं। थोड़ा लेट हो गए पर फिर भी बहुत अच्छा डिसीजन है कि भी पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके कहा कि भी इनके खिलाफ देशद्रोह का केस नहीं बनता, बहुत लीगल बात है। गर्व सर, जिस तरह गुरमीत राम रहीम सिंह साध्वी जौन शोषण मामले में अभी सजा काट रहे हैं, तो क्या आप जमानत याचिका भी हाई कोर्ट में लगाने जा रहे हैं क्या? नहीं, जहाँ तक उस 376 के केस की बात है, अपील हमारी पेंडिंग है, एडमिट है हाई कोर्ट के अंदर, और अभी बेल के लिए हमने कोई डिसाइड नहीं किया। हम प्लान करके लगाएंगे, बेल लगाएंगे, परंतु बहुत जल्दी अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये थे मेरे साथ गुरमीत राम रहीम सिंह के एडवोकेट SK गर्ग नरवाणा। इनका कहना है कि साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में जो आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। इसके साथ ही कहा कि अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।